हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ राज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या BPCL में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने कर रखा है अबव 400, अबव 450, अबव 500, क्या उनको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। क्या इसमें उम्मीद की जा सकती है कि BPCL 335 रुपये के आसपास चल रहा है और एक अपर ट्रैक मूवमेंट आएगा उसमें, ताकि इन्वेस्टर्स जो फंसे हुए हैं उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न आने वाला टाइम में मिल जाए? या फिर क्या इतनी पूंजी है आपके पास कि आप अगर उसको ख़रीद चुके हैं तो अगर वो डाउनफॉल पे जाए तो आप उसको बार बार एवरेज करें और आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर ले सकें? तो फ्रेंड्स, आप अगर ले सकते हैं रिटर्न, इट्स ओके। मैं नहीं कहता कि ये शेयर अपर लेवल ट्रैक पर नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? कुछ ऐसा उपाय है जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न ले सकें? फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में कभी कभी हम फंस जाते हैं तो दूसरे इन्वेस्टमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करके हम लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास BPCL के शेयर हैं और इस वक्त वो 336 रुपये, 335 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप चाहें तो उसको सेल कर दें। जितने शेयर हैं आप सेल कर दें, हर एक शेयर के बदले में आप 3 शेयर टाटा स्टील के ले लें जो कि इस वक्त 112 रुपये पे। जितने शेयर हैं आप उसको सेल करें, जो रेवेन्यू आपको मिले, जो आपको अमाउंट मिलता है बेचने से, उसको आप टाटा स्टील के शेयर में कन्वर्ट कर दें। हर एक शेयर के बेचने पे आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप 3 टाटा स्टील के शेयर खरीद पाएँ, क्योंकि टाटा स्टील का शेयर इस वक्त 112 रुपये पे है और 335-36 पे अगर आप सेल करेंगे तो इतना रेवेन्यू आपको मिलेगा आपके सेल करे हुए इन्वेस्टमेंट में BPCL के, कि आप टाटा स्टील के 3 शेयर खरीद लें। टाटा स्टील का जो टारगेट है वो 150 प्लस शॉर्ट टर्म में है और लॉन्ग टर्म में 200 प्लस है। अगर आपने ये कन्वर्जन किया और ये शेयर 150 प्लस चला गया, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और जो लॉस आपका हो रहा है वो कवर हो जाएगा। ये शेयर 350 से 550 जाने में हो सकता है टाइम लगाए और हो सकता है 400 प्लस तक ही जाए और अगला क्वार्टरली रिजल्ट फिर आ जाए, तो डिपेंड ये अपर लेवल पे और जाएगा कि नहीं जाएगा 400 प्लस पे। लेकिन टाटा स्टील अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही और आने वाले टाइम में 200 प्लस ही इस शेयर का टारगेट है। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न लेने का, इसीलिए मैं आप लोगों को राय दे रहा हूँ। एक और शेयर है सेल, ये शेयर मैंने 72 पर रिकमेंड किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर ये बिलो 70 भी चला गया, तब भी मैंने रिकमेंड किया और अब ये 80 प्लस चल रहा है, अभी भी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप चाहें तो सेल में अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस शेयर का टारगेट भी 150 प्लस है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, किसी भी शेयर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को दूसरे शेयर में कन्वर्ट करिए। देखिए मार्केट में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट लेवल उस शेयर में आया हुआ है जो कि अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न मिले और आप अपने लॉस से बाहर निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये दो शेयर्स मैंने आपको बताएं, ये अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पर हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर लेवल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, दोनों ही शेयर्स में, टाटा स्टील और सेल। इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करके लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हैं, या फिर होल्ड करके रखिए अगर आपको ऐसा लगता है। राय देना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, राय दे दी है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हम फंस चुके हैं क्या करें, उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बनाए हुई वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ में अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल स्क्रिप्ट जानने के लिए, और डे बाय डे आप अपग्रेड रहिए मैं कौन से स्क्रिप्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।